Hello student, standard 6, subject maths, chapter 9, data handling, exercise 9.3. Question 1. The bar graph given alongside show the amount of weight purchased by government during the year 1998-2002. Read the bar graph and write down your observation in which year was यहाँ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं यहाँ पे देखो ये बायोग्राफ दिया है यर्स दिया है नाइनटीन नाइनटी एट से टू थाउजेंड टू और वेट इन थाउजेंड टन्स में दिया है जीरो से थर्टी फाइव तक और स्केल मैप क्या है वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड टन्स ओके तो ये देख के हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं द दइट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस में ज़्यादा है सबसे प्रोडक्शन देखो सबसे ज़्यादा लंबा किसका है टू थाउजेंड टू का तो क्या आंसर लिखेंगे देखो द सिंस द हाइट ऑफ द बार फोर टू थाउजेंड टू इज मैक्सिमम सो द दाइट प्रोडक्शन इन टू थाउजेंड टू इज मैक्सिमम है ना इजी उसके बाद देखो द वाइट प्रोडक्शन मिनिमम सबसे छोटा मिनिमम किसका है नाइनटीन नाइन्टी एट का तो क्या आंसर लिखेंगे द वाइट ऑफ द बार फोर नाइन्टीन नाइन्टी एट इज मिनिमम सो द व वाइट प्रोडक्शन इन नाइनटीन नाइनटी एज मिनिम ओके उसके बाद क्वेश्चन टू है ऑब्जर्व दोग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सेटरडे मंडे टू सेटरडे है और नंबर ऑफ शर्ट शोल्ड कितने हुए हैं वो भी है और स्केल मैप क्या है वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फाइव शर्ट नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इन्फॉर्मेशन डज द अबाउ बारग्राफ गन ये हमें किसका इन्फॉर्मेशन देता है सो मंडे टू शैटरडे रेडीमेड शॉप किसकी है कितने शर्ट सोल्ड हुए हैं उसकी तो वो हम लिखेंगे आंसर में कि वो हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है द बारग्राफ शो द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सेटरडे इन अ रेडीमेड शॉप ओके उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरीजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शॉट्स क्या स्केल यूज है यहाँ पे वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फाइव शॉट तो आंसर में वहीं लिखेंगे वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू फाइव शॉट इज द स्केल चूजेंड ऑन द हॉरीजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शॉट्स ओके उसके बाद देखो सी है Uh, on which day were the maximum number of shirts sold how many shirts were sold on that day sabse सबसे ज़्यादा कौन से mein में शर्ट sold हुए और कितने तो सबसे लंबा है Saturday Saturday को sold हुए hai और यहाँ pe आप करोगे तो आता है यहाँ एकदम सीधी लाइन हम करते हैं तो आता है सिक्सटी तो कितने हुए हैं सिक्सटी शर्ट sold हुए हैं maximum शर्ट वेयर sold ऑन Saturday सिक्सटी शर्ट वेयर sold ऑन that डे ओके उसके बाद है ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड कौन से डे में सबसे कम शर्ट सोल्ड हुए हैं मंडे ट्यूसडे को तो हमें वही आंसर लिखना है मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वेयर शोल्ड ऑन ट्यूजडे है ना इजी कितना इजी है और उसके बाद देखो क्वेश्चन है हाउ मेनी शर्ट्स वेयर शोल्ड ऑन थर्सडे थर्सडे को कितने शर्ट्स शोल्ड हुए हैं तो ये है थर्सडे थर्सडे को शर्ट हुए है शोल्ड थर्टी फाइव है तो हम क्या आंसर लिखेंगे थर्टी फाइव शर्ट वेर शोल्ड ऑन थर्सडे डे थर्टी फाइव शर्ट्स वे सोल्ड ऑन थर्सडे ओके उसके बाद देखो क्वेश्चन थ्री ऑब्जर्व दिस बाराफ विच शो द मार्क्स ऑप्टेन बाय आज इन हाफ एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आंसर द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे मार्क्स है टेन टू नाइन्टी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश मैथेमेटिक्स साइंस सोशल साइंस स्केल मार्प है वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टेन मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इन्फॉर्मेशन डज द बायोग्राफ गिवन क्या इन्फॉर्मेशन देता है तो ये uh, जो किसके मार्क्स के हैं आज के डिफरेंट सब्जेक्ट में हाफ़ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क है वो हमें एग्जाम इंफॉर्मेशन uh, देता है ये बारग्राफ सो द बारग्राफ सोज़ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय आज इन फाइव डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द हाफ़ ईयरली एग्ज़ामिनेशन द बारग्राफ सोज़ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय आज इन द डिफरेंट सब्जेक्ट इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन उसके बाद क्या है नेम द सब्जेक्ट इन विच आज इज स्कोर मैक्सिमम मार्क ऐसा कौन सा जो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा उसने मार्क्स कवर किए हैं तो सबसे लंबा है हिंदी का तो क्या आएगा आज इज स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी ओके उसके बाद है सी नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर मिनिमम मार्क्स सबसे कम सबसे कम है किस में है सोशल स्टडीज में ये सबसे छोटा लग रहा है इसलिए सो आज इज स्कोर मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज ओके उसके बाद डी वाला क्वेश्चन है स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड मार्क ऑफ इन ईच ऑफ है सभी के सब्जेक्ट में उसने कितने मार्क्स आए हैं वो हमें लिखना है ओके okay? सो so, सबसे पहला है हिंदी हिंदी में कितने है? Then हैं एटी देन है इंग्लिश इंग्लिश में है सिक्सटी मैथमेटिक्स है सेवेंटी साइंस है फिफ्टी और सोशल स्टडीज़ है फोर्टी तो कैसे लिखोगे मार्क्स ऑप्टेन इन ईच सब्जेक्ट हिंदी एटी इंग्लिश सिक्सटी मैथमेटिक्स सेवेंटी साइंस फिफ्टी एंड सोशल स्टडी फोर्टी तो है ना इजी ये भी एक्सरसाइज ओके सो टुडे योर होमवर्क इज़ वर्कबुक क्वेश्चन नंबर वन एंड नाइन ओके वर्कबुक क्वेश्चन नंबर वन एंड नाइन ओके थैंक यू